नगर के सती घाट के समीप स्थित लाल बाबा आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए महंत सुरेंद्र जी महाराज ने बताया कि सती घाट पर स्थित लाल बाबा आश्रम नगर के मध्य में है। मध्य स्थान शिव का स्थान होता है और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना परम सौभाग्य है। लाल बाबा आश्रम में वर्ष में दो बार कथा का आयोजन होता है, एक बार श्री राम कथा और एक बार श्रीमद् भागवत कथा। बीते वर्ष दिसंबर माह में आचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज ने श्री राम कथा कही थी और इस बार आचार्य उमेश चंद्र ओझा जी श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है कि वह यहाँ पहुँचे और भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। उन्होंने बताया कि यह कथा 14 जुलाई से प्रारंभ है, 20 जुलाई को कथा का समापन होगा और 21 जुलाई को भव्य भंडारे के साथ आयोजन संपन्न हो जाएगा। दिन में 3 बजे से शाम 7 बजे तक आचार्य उमेश चंद्र ओझा जी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हैं। कथा सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अगले साल के बाद 3 साल भी भागवत पुराण कथा का आयोजन किया गया है और साल में 2 कथाएँ यहाँ हो रही है, भागवत कथा और राम कथा। दिसंबर में पिछले प्रोफेसर पांडे जी के मुखारविंद सर्व राम कथा सुने थे और अभी जो हम सुन रहे हैं उमेश चंद्र ओझा जी, ये कथावाचक कम संत ज़्यादा है। कथावाचक तो मैंने ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, प्रोफेसर हो गए हैं और कहते कुछ करते कुछ नहीं हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हमारे उमेश जी जो हैं ये बक्सर के शान हैं संत के नाम पर। संत सभी सारे संत इनका आदर करते हैं और इनका रहन सहन सारा जीवन ये मैंने अलग मैंने का दर्शन से ही पूर्ण होगा। कथा तो सुनने से पूर्ण होगा ही होगा लेकिन केवल दर्शन से इनका पूर्ण हो जाएगा, इसलिए आपको इनका दर्शन सभी लोगों को बक्सर नगरवासियों को करना चाहिए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकर के यहाँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये सती घाट जो है वो बक्सर के मध्य क्षेत्र में आता है और मध्य क्षेत्र अपने आप में शिव का स्थान होता है और यहाँ भागवत कथा और राम कथा करना ये मैंने अलग से ही इसका महत्व रखता है। अभी तो हमारे साथ अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे अभी सुरेंद्र जी हैं हमारे, सुरेंद्र वर्मा जी, ये थोड़ा सा तन मन धन से लगे हुए हमारे साथ, लेकिन हमारा इच्छा है कि बक्सर के मध्य में कोई कथाएं नहीं हो रही थी तो यहाँ बढ़िया से बढ़िया भव्य से भव्य कथा हो और धरती का भाग जो है वो ऐसे तो इस धरती पर माता पार्वती जी और स्नानित घाट है। यहाँ माता पार्वती जी गौरी शंकर मंदिर से नित्य प्रति स्नान करने के लिए आती थी तो ये सिद्ध जगह है और यहाँ थोड़ा सा भी अगर हम भक्ति भाव में, अभी महाराज जी बता रहे हैं कि भक्ति जो है वो सबसे मैंने भगवान के यहाँ पहुँचने के लिए सबसे सरल रास्ता है। केवल भक्ति को अपना लिया जाए तो भगवान के यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान अपने शरण में बुला लेते हैं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।